100 रुपया पहला चल रहा, चल भज के चल चल चल। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, नहा धोके उठ के तैयार हो गए हैं, ये भी साथ में है, भाई साथ में अपना। तो हम जा रहे हैं अभी पाठ पूजा के लिए और माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, तो चलो बने रहना हमारे साथ, अभी निकलते हैं। वैसे हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, 12 बजे भोगता हूँ, 11:30 बजे निकल रहे हैं यार यहाँ से। मेरे को उठ के ना सुबह दाढ़ी कटवानी थी, मैं दाढ़ी भी नहीं कटवा पाया, तो चलो भाई दाढ़ी कटवाता बीच में रह गया मैं, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। तो हो सकता है शाम को मामू के साथ ही देखते हैं, क्योंकि मामू ने भी कटवानी है। तो फिलहाल चलते हैं माथा टेकने के लिए, दर्शन करते हैं। चलो, मेरे को लगा रुकना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा इस लाइटों में रुकना, मैं नहीं रुकूंगा। ऑरेंज में निकल सकते हैं यार, निकल सकते हैं, बट अगर रेड हो जाती तो। मैंने ऑरेंज में निकाल लिया, रेड हो जाती रोक देता मैं। भाई जहाँ पे पार्ट था मेरे दोस्त के घर पे, वहाँ पे जाके प्रसाद भी खा के आ गए हम। अभी घर से फोन आ गया था, अब एक टेलर से लेने हैं कपड़े, और वो कपड़े उठाने के लिए निकल रहे हैं यार। टाइम है नहीं, मैंने कहा घर जाता हूँ, लेकिन अभी कपड़े लेने चलना है। मामू के ही फोन आ गए हैं बीच में, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई कल है कीर्तन अपना, तो उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे कल ही, पहले कपड़े उठा लें ना। तेल हो गया खाली, चला चला के बिल्कुल ही बुरा, अब डल गया भाई, लगा रहे हैं तेल। उसके बाद सारे काम करेंगे, करवा के निकल ही गए हैं, कपड़े वगैरह भी ले लिए हैं सारे, बस अब निकलते हैं घर पे। पूरी राउंड फिगर कर दो भाई, बहुत घूमना पड़ता है यार, पता नहीं लगता तेल कब बोल जाता है गाड़ी का। देख लो 3-4 दिनों में 2 बार डलवा चुका हूँ मैं, कपड़े वगैरह सारे के सारे ले लिए हैं मैंने, बस अब निकल ही रहा हूँ। और अभी भी कोई फ्री नहीं है, अभी मामू का फोन आ गया, मैंने कहा मामू कटिंग वगैरह करवाने चलेंगे, कह रहे मैंने तो करवा ली, उनके फास्ट चल रहे थे ना, आज कार्तिक मास कंप्लीट हुआ है और कल से 5-20 में स्टार्ट हो गई जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको अपना व्रत खोलना था, तो दाढ़ी वगैरह करवानी थी, तो मैं देखूंगा, चमके पड़े होंगे मामू। मैं कहा चलो आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। फिर ट्रैफिक इतनी है ना यहाँ पे, जाम बहुत सकता है, मैं मोहाली की रोड पे हूँ अभी, जाम ही लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लगता नहीं है अभी दोपहर में भाई, इतना लगा हुआ है। देखो 4 बजने वाले, 4:45 हुए हैं, बस घर पे पहुँच गया, लेकिन मैंने कहा पहले जूस पी लिया जाए, फिर उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। जूस इज मस्ट, इंपॉर्टेंट है जूस, मेरा वही कर देना, बिना छना हुआ बढ़िया, वही लाल, ठीक है, हाँ वही, तो एक कर देना, यहीं पे हूँ मैं। घर पे तो अभी कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, वैसे पेट फुल है मेरा, लेकिन जूस पी लूँ वो जरूरी है। आज ना मैंने गलती कर ली है, जूती डाल के, इतनी लग रही है ना पैर में, और मैं पहनता नहीं हूँ वैसे कभी, जूते पहनता मैं, इसके जूते पहनने लगा मैंने, अच्छे नहीं लगेंगे। जूस पी लिया मैंने, अभी यार एक और काम आ गया अभी, वो भी करना है भाई, घर नहीं आऊँ मैं सुबह से, अब वो करके फिर चलते हैं घर। ओ भाई यार, ओ यार, इतने सारे कामों में मैं गौशाला भूल गया यार, द्वादशी आज गौशाला भी जाना था। चलो गाड़ी अनलोड करके ना पहले गौशाला के निकलता हूँ, 4:45 हो गए हैं यार, अंधेरा ही जल्दी हो जाता है आजकल, तो छोटे दिन हैं, बहुत छोटे हैं दिन, तो चलो पहले चलता हूँ गौशाला, बाकी काम बाद में, मैंने सोचा दाढ़ी वगैरह भी करवा लूँगा, मामू ने तो करवा ली अपनी, अब सारे काम थोड़े से ड्रॉप करता हूँ, पहले निकलता हूँ गौशाला के लिए, गाड़ी भरी पड़ी है, इसको अनलोड करता हूँ पहले। ओ भाई जाम जाम जाम, अभी घर से आ रहा हूँ, गाड़ी अनलोड कर दी सारी, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अब सीधा जा रहा हूँ गौशाला। 5 बज गए, 15 मिनट में किया मैंने गाड़ी अनलोड, ठंड में तो मेरे ख्याल से 6 बजे शायद बंद कर देते हैं गौशाला, 7 बजे करते हैं, मुझे पता नहीं टाइम का। मैं पहुँच गया हूँ गौशाला, और अब दिक्कत पता है क्या अटक गई, चाबी पर्स फोन कहाँ रखूँगा मेरे, इसमें तो जेब ही नहीं है यार, कुर्ते में किसी में जेब नहीं है मेरे, अभी पहुंचा हूँ बस यहाँ पे। जय गौ माता। पहले मैंने परिक्रमा मारता हूँ, देखता हूँ कि किस चीज की कमी है। चारा यहाँ पे चारा कम है, और इस साइड पे भी चारा ही कम है, ये सारे सफाई करने लगे हैं गौशाला की। यहाँ पे यार ज्यादा नहीं, ये कुछ किया होगा इन्होंने, इतना ज्यादा नहीं हो सकता गोबर, कुछ तो लिपाई पता ही हुई होगी। यहाँ की सारी गाय माता यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, यहाँ पे अंधेरा हो ही है यार, पहुंचते बस ये सोच रहा था अंधेरा ज्यादा ना हो। चलो जल्दी जल्दी से ना परिक्रमा पूरी करता हूँ, अभी नंदी जी वाले सेक्शन में जाता हूँ, फिर उसके बाद चारे डलवाना है आज, जिस दिन चारा होता है उस दिन मैं करता हूँ चोकर सतना जा। ओ भाई साहब शिव जी कितने सही, ये अभी अभी बनाया इन्होंने यहाँ पे, पहले नहीं थे, सही बना दिया इन्होंने गौशाला में तो। पर यहाँ पे मंदिर भी है पूरा बढ़िया। आगे भैया यहीं से डालेंगे आगे। चलो भाई मैं पहले चारा डलवाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। छोटे छोटे से बच्चे अभी हफ्ते हफ्ते के होंगे। चलो भाई गौशाला का काम हो गया कंप्लीट, चलते हैं हम यहाँ पे, गौशाला काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को याद था सुबह जब मैं उठा, लेकिन फिर भूल गया मैं, मतलब दाढ़ी कटवा लूँ मैं, और आज तो मामू से भी नहीं मिला यार, फोन पे बात हुई है मामू से बस। भाई सारा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ कटिंग नहीं करवाऊंगा, दाढ़ी करवाने के लिए अब जा रहा हूँ यार मैं। अब देख लो 9 बज गए, अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं। मैंने फोन कर लिया था भैया को, भैया अगर मैं 10 बजे तक हूँ कोई टेंशन नहीं, तू आ जा, काफी टाइम से एक ही बंदे के पास हूँ मैं यहाँ पे, अगर चंडीगढ़ में होता हूँ तो। बस निकल रहे हैं, सही कट गए ना, मिनट 5 लगे,
आपको पता है मैं यहाँ पे काफी सालों से आ रहा हूँ भाई, आपने बार बार नहीं चेंज किया अपना, क्योंकि भाई को ना पता है मेरे फेस का कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए क्या। एक्चुअली वो भाई थे नहीं, उनकी आज तबीयत खराब है, तो दूसरे भाई थे, इन्होंने ये दाढ़ी काटी है। तो मैं भाई यहीं पे आता हूँ काफी सालों से, पिछले कई सालों से, मेरे को तो याद भी नहीं है कब से आ रहा हूँ, काफी टाइम हो गया आते हुए। अच्छा कल्ले कल्ले हो गए, तू भी करा के आया दाढ़ी? मैं तो हुनी जस्ट हुनी करवा के आया, शेव तो कराई नहीं पूरी है, शेव भी करानी क्लीन क्लीन वाली, थोड़ी उम्र है साडी, थोड़ी उम्र है, ट्रिमिंग करा के करवाना ना, मैं था ओ भाई करवा के देखा ना, अब मिल रहे हैं रात को सुबह से। मामू आए थे अभी, जस्ट अभी ड्रॉप करके आया हूं मामू को नीचे, मामू कह रहे बस सुबह रेडी हो जाना क्योंकि कल है फंक्शन अपना कीर्तन का फर्स्ट, चलो देखते हैं। मैं नहाया भी नहीं हूँ, नहाता हूँ। तो भाई मैं नहा धो के आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, अब नींद की पूरी तैयारी है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बस एडिटिंग के लिए बैठा हुआ था, एडिटिंग कर रहा हूँ। दाढ़ी के ना बाल थोड़े से चुभ रहे थे, अब सेट है, नहा के सही लग रहा है। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अब कल से अपने फंक्शन स्टार्ट है घर के जितने भी हैं, अब कल होगा पहला फंक्शन, कल है कीर्तन, तो बने रहना वीडियो में, मैं वीडियो में भी आपको दिखाता रहूँगा अपने साथ, ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे उसके बाद एक्सप्लोर करवाऊँगा जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना।